रुझान वाली जगहों में आपका स्वागत है। आज हम आपको ड्रैगन हेड ब्रिज दा नांग वियतनाम के बारे में दिखाएं। ड्रैगन ब्रिज QRNG के लिए वियतनामी एक पुल का नाम है जो वियतनाम के दा नांग में हान नदी तक फैला है। लुई बजर ग्रुप, एक अमेरिकी वास्तुशिल्प फर्म, और अम्मान एंड विटनी ने स्टील ब्रिज का निर्माण किया। 2013 में पुल को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। आइए अग्निश्वास पुल के बारे में कुछ आकर्षक विवरणों की जांच करें। एल राजवंश के ड्रैगन ने ड्रैगन ब्रिज के डिजाइन के लिए प्रेरणा का काम किया। जीव को समुद्र में उड़ने और वियतनामी लोक कथाओं में सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता है। ड्रैगन को ऐसा प्रतीत होने के लिए बनाया गया है जैसे कि वह पुल के केंद्र में फिसल रहा हो। 1864 फुट लंबे इस पुल में मेटेलिक ड्रैगन है। 2500 LED लाइटेड स्टील ड्रैगन के नीचे से ट्रैफिक गुजरता है क्योंकि यह हवा में चलता है। पौराणिक राक्षस पर आधारित होने के अलावा पुल में प्राणी लक्षण भी हैं। अजगर किसी भी कोमल जानवर की तरह अपने गले से पानी और आग को बाहर निकालता है। पानी और आग की लपटों को शूट करने की क्षमता के अलावा पुल की अनूठी विशेषता इसकी मुख्य डेक की 180 डिग्री स्विंग करने की क्षमता है, जिससे जहाजों को भीड़भाड़ वाले बंदरगाह से ऊपर की ओर नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। ड्रैगन ब्रिज देखने का आदर्श समय रात का है। यह आश्चर्यजनक प्रकाश प्रभाव और 15,000 LED रोशनी के साथ एक वास्तविक ड्रैगन में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त ड्रैगन ब्रिज विभिन्न प्रकार के रात्रिकालीन कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के साथ बहुत सारे आगंतुकों को आकर्षित करता है। दनांग के सभी आगंतुकों के लिए सबसे रोमांचकारी अनुभवों में से एक है ड्रैगन ब्रिज को अपने इतिहास के बारे में सीखते हुए प्रदर्शन करना। शुक्र है आप बिना एक पैसा खर्च किए सप्ताहांत में आसानी से अद्भुत संगीत कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। हर हफ्ते शनिवार और रविवार की रात करीब 9 बजे ड्रैगन ब्रिज स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए आग और पानी का शानदार प्रदर्शन करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।